बदलो बिहार यात्रा पर गुरुवार को बेगूसराय पहुंचे केंद्रीय वित्त और विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा ने प्रेस वार्ता कर कहा कि 15 साल से बिहार की सत्ता संभालने वाले नीतीश कुमार को नेतृत्व वाली सरकार बिहार की प्रगति करने में पूरी तरह से विफल रही। आंकड़े और सबूत बताते हैं कि बिहार सरकार सभी मुद्दों पर पूरी तरह से विफल है और भ्रष्टाचार चरम पर है। उन्होंने कहा कि बिहार पूरे देश में सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बना हुआ है। राजनेता पटना में बैठकर राजनीति और बयानबाजी कर रहे हैं। हम रिस्क लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं। हम वर्चुअल नहीं एक्चुअल में विश्वास करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री वर्चुअल रैली कर रहे हैं। इस रैली में 80 करोड़ खर्च होगा। शिक्षा, नौकरी और चिकित्सा प्रदेश के भरोसे है। उद्योग बंद हो गए हैं। रोजगार कहां से मिलेगा? प्रत्येक साल 40 लाख लोग मजदूरी करने बाहर जाते हैं। आपराधिक घटना के कारण पूंजी निवेश नहीं हो रहा है। सृजन, एस्टीमेट, क्वारंटाइन समेत कई घोटाले में हजारों करोड़ रुपए गायब किए गए। 15 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद भी कहते हैं एक मौका और दीजिए। कितने दिन लोग इन्हें मौका देते रहे। उन्होंने कहा कि बिहार की हालत 1974 के जेपी आंदोलन से भी बदतर है। लोग परेशान हो चुके हैं। हमारा यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस बिहार के सभी 243 सीट पर चुनाव लड़ेगा। इस गठबंधन में किसी अपराधी को शामिल नहीं करेंगे। अपराध और भ्रष्टाचार मुक्त बिहार का निर्माण होगा। सृजन के दोषी बेनकाब होंगे। बरौनी एनटीपीसी ने बगैर मुआवजा दिए ही जमीन कब्जा कर लिया है। इसके लिए हम संघर्ष करेंगे, आंदोलन किया जाएगा। बिहार को बदलने का और एक बेहतर बिहार बनाने का इस अभियान के अंतर्गत हम लोग बहुत लोग इकट्ठे हुए हैं, जिसमें बिहार के राजनीतिक दल भी हैं और व्यक्ति भी हैं, और हम लोगों ने मिलकर ये तय किया है कि हम एक यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस UDA का गठन करेंगे। इसका गठन हो गया और एक आंदोलन हम शुरू करेंगे बिहार को बदलने का, बेहतर बिहार बनाने का। तो मात्र ये एक राजनीतिक गठबंधन नहीं है, ये एक आंदोलन है। मैं जोर देके इस बात को कहना चाहता हूँ, ये एक आंदोलन है बेहतर बिहार बनाने के लिए। और शिक्षा का क्षेत्र, स्वास्थ्य का क्षेत्र, किसानी का क्षेत्र, उद्योग का क्षेत्र, मजदूरों का क्षेत्र, नौजवानों का क्षेत्र, महिलाओं का क्षेत्र, हर क्षेत्र में बिहार की बदहाल स्थिति है, जिसको बदलना है और एक बेहतर बिहार बनाना है। और इसी के लिए हम लोग इकट्ठे आए हैं। आप जानते हैं कि प्रजातांत्रिक प्रणाली में चुनाव होते हैं हर 5 साल के बाद। बिहार में भी चुनाव आसन्न हैं, जल्दी ही 2-3 महीने के भीतर यहाँ के चुनाव संपन्न होंगे। और एक प्रजातांत्रिक प्रणाली में सरकार को बदलने का एकमात्र उपाय है चुनाव, और बिहार की सरकार को बदलना जरूरी इसलिए है क्योंकि पिछले 15 वर्षों से जो शासन चला रहा है एक व्यक्ति के अंतर्गत, उसी के चलते बिहार की ये बदहाली है। इसलिए जब तक वो शासन नहीं जाएगा, वो सरकार नहीं जाएगी, बिहार की बदहाली भी दूर नहीं। और इसलिए जो हम लोगों का गठबंधन है UDA, इसने तय किया है कि हम मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और हमारी पूरी कोशिश होगी कि बिहार में सरकार भी बदले, समाज भी बदले और बिहार एक बेहतरीन की ओर आगे बढ़े। सीटों पर आपके पास यही उद्देश्य है, जिसके अंतर्गत हम लोग पूरे बिहार कितने सीटों पर बिहार का भ्रमण कर रहे हैं। हम लोग पटना में बैठकर राजनीति करने और सिर्फ बयानबाजी करने